क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ है, अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री 20,000 कैपेसिटी दिया हुआ है इसका, ठीक है 20,000 यूनिट्स, ठीक है ये इसकी कैपेसिटी है। 100% कैपेसिटी पे कितना है 20,000 इकाइयों की क्षमता है, ये काम कर रहा है 57.5% पे इसका बजट दिया हुआ है, 57.5% पे इसका बजट हमको दिया हुआ है, ठीक है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है मतलब जो डायरेक्ट और जो डायरेक्ट दिया ना वो भी वेरिएबल ही होता है, तो तीन यहाँ पे वेरिएबल होगा, एक फिक्स है एक सेमी वेरिएबल, उनको अलग अलग करके दे दिया है, पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जो फिक्स वाला जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट वो 60% तक कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 से 60% तक कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप 60% से ऊपर जाओगे, 60% से ऊपर अगर जाना है तो 60,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक एक्स्ट्रा मशीन लगाना पड़ सकता है, हो सके एक्स्ट्रा मैनेजर लगाना पड़ जाए, अगर हमको 60% कैपेसिटी से ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हो सकता है हमको एक मैनेजर रखना पड़ जाए जिसकी 60,000 सैलरी देनी पड़ेगी, 60,000 का अतिरिक्त लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 1,00,000 रुपए फिक्स है, बाकी वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट नीचे दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो दिया हुआ है हमको ये दिया है 2,38,000 रुपए दिया हुआ है, इसमें 1,00,000 रुपए फिक्स है, बाकी कितना आया 138 आ गया, ठीक है इसमें तो और ज्यादा प्रोसीजर होती नहीं है, हम लोग तो डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है करते हैं, ये रहा है वीडियो थोड़ा सा इसको उधर रख लेते हैं, ठीक है एक फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा हमको बजट कितने का बनाना है, बजट हमको तैयार करना है 50% और 70% पे, ठीक है अब पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है टोटल कॉस्ट निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट, यह था हमारा लेवल ऑफ कैपेसिटी ब्रैकेट में दिए यूनिट्स दिया हुआ है तो क्वेश्चन में, ठीक है अमाउंट थोड़ा बड़ा है ना थोड़ा तो कॉलम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ठीक है हमको 57.5% का दिया हुआ है, ठीक है हमको बनाना है 50% का और 70% का, ठीक है नोट्स में ऐसे लिख सकते हो वर्किंग नोट में, ठीक है 20,000 यूनिट हमारा 100% कैपेसिटी है, इसका 57.5% निकालो 11,500 ये बताओ ये सही कि नहीं, सही है ना, ठीक है बाकी तो सही है मेरा इतना पता है मुझे, ठीक है तो 11,500 यूनिट है ये और ये हमारा 10,000 यूनिट, अरे 14,000 यूनिट, ठीक है कॉलम लाइन नहीं है, फिर कैसे हमारा लेवल ऑफ कैपेसिटी है उसको परसेंटेज में अलग और यूनिट में अलग कर दिए, ठीक है यहाँ पे पार्टिकुलर, ठीक है ए पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें तीन चीज दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है तो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है दो तरीका इसको लिखने का, परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में, यूनिट में दिया तो यूनिट में, हम यूनिट में निकाल लेते हैं, ठीक है तो हमको यूनिट के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है 4,60,000 रुपये दिया हुआ है, उसको 20,000 से नहीं
11,500 है क्योंकि कैपेसिटी दिया है वो 54.5% का दिया है। 20,000 हमारी कैपेसिटी है पर हम लोग काम बजट क्या दिया है इसका दिया हुआ है, बजट हमारा 57.5% का दिया है मतलब 11,500 वेट का है ना, तो 4,60,000 डिवाइड बाई 11,500 कितना गया रुपीज 40 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब इसका मैं वापस इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4,60,000 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो 4,00,000 रुपए और इससे मल्टीप्लाई करें तो 5,60,000 रुपए। इसका इससे मल्टीप्लाई किए 10,000 का 40 से मल्टीप्लाई किए, 14,000 का 40 से मल्टीप्लाई किए तो तीनों आ गया। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर हमको दिया हुआ है 184 है ना, 1,84,000 रुपीज डिवाइड बाई 11,500 रुपीज 16 पर यूनिट। ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा 184,60,000 ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड सेम ऐसे ही बनेगा, वो भी ₹4,14,000 दिया हुआ है। पर यूनिट तो इसका टोटल करके दिखा रहा 70% वाले का एक पॉइंट, इसका टोटल कॉस्ट करके बताओ 12,88,000 रुपीज। ठीक है, बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारा दो ही है, एक ही है बस, 2,00,000 रुपए। इसमें एक ही पॉइंट हमारा फिक्स ओवर है, फिक्स ओवर है 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए और 2,60,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला है अगर 60% से ऊपर होगा तो 60,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। 60% से ऊपर होगा तब, ये 60% से नीचे है, ये भी 60% नीचे है और ये 60% से ऊपर है, इसलिए इसमें चेंज हुआ है। जैसे हमारा फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, पर इसमें क्वेश्चन में बोला है 60% से ऊपर होगा 7,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तो टोटल ये आएगा, टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे टोटल हो गया, वहीं पे मैं दो रैंक दे रहा था, ये वही इसका टोटल है। ठीक है, बी पॉइंट का सी पॉइंट सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमको दिया सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया है। एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, इसमें भी, इसमें दो चीजें हमारे पास, एक होता है फिक्स और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट, ये ना वर्किंग नोट बनाना जरूरी नहीं था, फिर भी इस क्वेश्चन के लिए बना दिए, बाकी क्वेश्चन में भी लिख लेना। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2,38,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 238 दिया हुआ है ना,
इसमें फिक्स कितना है? 1,00,000 रुपए फिक्स है, ₹1,00,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं हिंदी अलग हिंदी पढ़ लेता, इंग्लिश अलग इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में देखना लिखा है द फिक्स कंपोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इज ₹1,00,000 है ना। इंग्लिश में दिया हुआ है अर्धशील परिवर्तन, सॉरी अर्ध परिवर्तनशील व्यय ऊपर व्यय में स्थिर तत्व ₹1,00,000 है, हो जाता है। वेरिएबल कितना का वेरिएबल? 238 माइनस 1,00,000 रुपीज कर देंगे, ₹138,000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ निकाले हैं, या फिर वहीं का वर्कशीट में निकाल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू ₹138 डिवाइड बाई 11,500 यूनिट, ₹12, ₹12 पर यूनिट आ गया, ठीक। किया जाएगा ₹1,00,000 और यह जाएगा ₹12 पर यूनिट, ठीक है। ठीक है, सेम रहेगा ₹1,00,000। अरे ₹12 के हिसाब से 14,000 कितना आ जाएगा? ये 238,000। अब टोटल कॉस्ट के लिए इसका टोटल ना, ये सी पॉइंट का टोटल, फिर टोटल कॉस्ट वो आप लोग करना, ठीक है। ए बी सी में आप लोग करना उसको, इसका इसका और इसका टोटल कर दो, अच्छा हाँ सॉरी 12,16,000 ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको 14,000 से डिवाइड कर दो, 129.71 ये आ गया, चलो ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है।